हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके क्रिएशन। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट हाउ टू मेक फेस मास्क एट होम इजी विथ सिंपल एंड इजी ट्रिक्स। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज टू इंटरेस्टिंग, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो कीप सपोर्ट। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हमने XL साइज का मास्क बनाया है। फैब्रिक की लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 लेयर ऑफ कॉटन फैब्रिक यूज किया है। हमारे सारे फैब्रिक ब्लैक कलर के हैं। सबसे पहले हमें फैब्रिक को बीच से फोल्ड करना है। एक दूसरे के बराबर आपको इसे हाफ में फोल्ड करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा साइड है ये हमारा ओपन साइड है और दिस साइड ये हमारी फोल्डेड साइड है। तो आप एक बार फैब्रिक को उल्टा घुमा लो जिससे आपका ओपन साइड ऊपर की साइड में चला जाए और फोल्डेड साइड नीचे की साइड में आ जाए। तो चलिए अब हम इसके ऊपर मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फोल्डेड साइड है वहाँ पर हमें नीचे की साइड से मार्किंग करनी है। तो हम कॉर्नर से 4.5 सेंटीमीटर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कॉर्नर से स्टार्ट करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारी दूसरी साइड है वहाँ पर हमें दूसरी कॉर्नर की साइड से 3.5 सेंटीमीटर पे एक डॉट बनानी है। और इसके बाद जो हमारा साइड वाला प्लेस है वहाँ पर हमें, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ऊपर की साइड से लेना है। ऊपर की साइड से हमें 3 सेंटीमीटर पे एक डॉट बनानी है। सेम जो हमारा दूसरा साइड है वहाँ पर भी हमें ऊपर की साइड से 3.5 सेंटीमीटर पे एक डॉट बनानी है। और ये जो हमने डॉट बनाया है उसे हमें हमारे 3 सेंटीमीटर वाले डॉट से मिला देनी है स्केल की हेल्प से। कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन में मिलानी है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारा ये साइड वाला डॉट था 3 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर, वहाँ पे हमें कर्व बनानी है। तो इसके लिए हमने एक प्लेट का यूज़ किया है जिसका डायमीटर 22 सेंटीमीटर है। हम प्लेट को बाहर की साइड से रखेंगे और एक नॉर्मल सा कर्व ड्रॉ कर लेंगे प्लेट की हेल्प से। आपको नॉर्मली इन दोनों डॉट को मिलाते हुए एक कर्व बनानी है कुछ इस तरीके से। इसके बाद जो हमारा ऊपर की साइड वाला ओपन वाला प्लेस है वहाँ पर हमें अब थोड़ी मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हमें ऊपर की साइड में स्केल की हेल्प से एक मिड पॉइंट लेना है। तो हमारी फैब्रिक की चौड़ाई 16 सेंटीमीटर थी, आप उसका हाफ करें 8 सेंटीमीटर, तो हमारा मिड पॉइंट 8 सेंटीमीटर हो गया। मिड पॉइंट ले लेने के बाद जो हमारा 3 सेंटीमीटर वाला डॉट था उसे हमें मिड पॉइंट से मिलानी है और हमारा जो 3.5 सेंटीमीटर वाला डॉट था उसे भी हमें मिड पॉइंट से मिलानी है। पहले स्केल को हाफ रखें, हाफ प्लेस में मिड पॉइंट के साथ मिलाते हुए। उसके बाद आप इसे दूसरी साइड में घुमाएं और आप एक और कर्व बना लें। इस तरीके से आराम से हम कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों डॉट को बस मिला देना है। इस तरीके से हमारी पैटर्न ड्रॉ हो चुकी है। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा नीचे वाला ये जो कर्व है यहाँ से हमें ले जाते हुए ऊपर का जो कर्व है वो वाली कर्व और जो हमारा ये लाइन है हमें इसकी कटिंग करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे कट कर लेते हैं। सो हमारी कटिंग हो चुकी है। आप एक बार इसका पैटर्न देख लें कि ये किस डिज़ाइन का है। नीचे की साइड से ये अभी फोल्ड है, यहाँ पर हमने अभी कट नहीं किया है, हमें यहाँ पर अब कटिंग करनी है। तो पहले एक बार पैटर्न देख लें आप आराम से। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप इसे फोल्ड करो। ये हमारा पहला फैब्रिक है। उसके बाद दूसरे की थ्रेडिंग करते हैं हम। हमें सबसे पहले मिडिल लेयर लेना है और उसके बाद हमें हमारी मेन फैब्रिक रखनी है और इसे बीच से फोल्ड करना है। और ये जो फोल्डेड प्लेस है आपको इसे कट कर लेनी है। तो दोनों फैब्रिक में आप कट लगा लें जिससे ये अलग हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे फैब्रिक अलग हो चुके हैं और इसकी थ्रेडिंग हो चुकी है। इसके बाद ये जो हमारा ऊपर का कर्व है हमें सबसे पहले उसके ऊपर सिलाई करनी है। सिलाई का सबसे पहला प्रोसेस होता है ऊपर का जो कर्व है उसके ऊपर सिलाई की जाती है। तो चलिए सबसे पहले इसके ऊपर सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आपको दोनों साइड में सिलाई करनी है। आई होप आपको वीडियो देखकर आराम से समझ में आ गया होगा। सिलाई कर लेने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आप एक बार निशान लगा लें जिससे आप आराम से सिलाई कर सकते हो, कोई ऊपर या नीचे नहीं होता है अगर आप बिगनर्स हो तो। इसके बाद यहाँ पर हमने सिलाई लगाई है, उसके नज़दीक में आप 2-4 कट्स लगा लें। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसे आप ना भूलें।
इसके बाद ये जो हमारा मेन फैब्रिक है जिसमें टू पीस ऑफ फैब्रिक है, उससे आप बीच से खोले और जहाँ पर हमने सिलाई लगाया है उसे थोड़ा प्रेस करके आराम से बाहर निकाल ले, क्योंकि वो हमारा मेन शेप होता है। इसके बाद जो हमारी दूसरी फैब्रिक थी बैक लेयर, इसमें वन पीस ऑफ फैब्रिक है, उसे आप उल्टा करके इसके ऊपर रखें और इन दोनों को एक दूसरे के बराबर सेट कर लें। और ये जो ऊपर का साइड है जहाँ पर निशान लगाई है हमने, इसके ऊपर सिलाई करनी है, और ये जो नीचे का साइड है हमें इसके ऊपर सिलाई करनी है। तो ये सिलाई का दूसरा प्रोसेस है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग, योर सपोर्ट्स आर रियली वेरी यूजफुल, सो प्लीज़ कीप सपोर्ट। आप एक बार देख लो आराम से कि आपको किस तरीके से सिलाई लगानी है। ये हमने फर्स्ट साइड में सिलाई लगा ली है और ये हमारा दूसरा साइड है नीचे वाला। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से मार्किंग कर लेते हो ना तो आपको बहुत आराम होता है सिलाई लगाने में। अगर आप बिगनर्स हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से सिलाई लगाना। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई लगा ली है। जिस तरीके से हमने कर्व के पास में कट लगाया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी सिलाई के नज़दीक में दो चार कट लगा लें दोनों साइड में। ये कट्स भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, इसे आप लगाना ना भूले। इसके बाद जो साइड में हमने खुला प्लेस छोड़ा था, वहाँ से आप फैब्रिक को फिंगर की हेल्प से सीधा कर लो। अगर आप चाहो तो इसे पिन की हेल्प से भी सीधा कर सकते हो। वन साइड में पिन लगाएं और दूसरी साइड से उसे पास करते हुए निकाल ले। इस तरीके से भी फैब्रिक आराम से सीधा हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आपको सीधा करना है। और इसमें आगे के साइड में पॉइंटेड प्लेस था तो वो हमें निकालना होगा। उसके लिए आप किसी भी नुकीली चीज़ का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हमने आपको पेंसिल के हेल्प से सीधा करके दिखाया, क्योंकि पेंसिल जनरली सबके पास होती है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, आपको इस तरीके से अपने कॉर्नर्स को निकालनी है। इस वीडियो में मैंने आराम से बताया है कि किस तरीके से आप आराम से सारे कॉर्नर्स निकाल सकते हैं। आई होप आपके लिए यूज़फुल होगा। सारे कॉर्नर्स को आप आराम से निकालें फ्रेंड्स, क्योंकि कॉर्नर्स ही मेन होता है कि हमारा मास्क का शेप किस अकॉर्डिंग का है वो शो करता है। तो हमने सारे कॉर्नर्स निकाल लिए हैं। इसके बाद ये जो हमारा दोनों साइड वाला प्लेस है, ये वाला जो खुला है, ये दोनों साइड वाला प्लेस, हमें इसे अंदर की साइड में 1 सेंटीमीटर का फोल्ड देना है, कुछ इस तरीके से। ये देखें फ्रेंड्स, आपको दोनों तरफ फोल्ड करनी है। यहाँ पर हम लास्टिक लगाएंगे, इसीलिए हमने दोनों साइड में फोल्ड लगाई। सो फ्रेंड्स, आप देख ली कि किस तरीके से फोल्ड लगानी है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने लॉन्ग लास्टिक लगाई है, तो हमने यहाँ पर दो पीस ऑफ लास्टिक लिया है। यहाँ पर दोनों पीस ऑफ लास्टिक के साइज़ अलग अलग होते हैं। तो जो हमारी पहली लास्टिक है उसका साइज़ 30 सेंटीमीटर है, जो बड़ी वाली है, और एक छोटी वाली है जिसका साइज़ 25 सेंटीमीटर है। सो फ्रेंड्स, जो बड़ी वाली लास्टिक है उसे हमें आगे की साइड में लगानी है। जो हमारा पॉइंटेड प्लेस है हमें वहाँ पर इसे लगानी है। आप इस बात का ध्यान रखें कि किस लास्टिक को किस साइड लगानी है। और ये छोटी वाली लास्टिक है इसे हमें पीछे की साइड में लगानी है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर सबसे पहले सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लास्टिक लगाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें कि आपको लास्टिक को कहाँ पर और किस तरीके से लगानी है। ये थोड़ा सा समझने वाला बात है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हमें लॉन्ग लास्टिक का यूज़ किया है और इसे लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप आराम से समझ लो कि आपको किस तरीके से इसे लगानी है। और दूसरी साइड में हमने जो लास्टिक पहली बार लगाया था उसे ही हमें पीछे की साइड में डालनी है। जो हमारी पहली लास्टिक का कॉर्नर है जहाँ पर हमने जिस तरीके से डाला है, उसी लास्टिक को हमको दूसरी वाले कॉर्नर, ये वाली फ्रेंड्स, यहाँ पर लगानी है। पहले हमने इसे जहाँ लगाया था सेम वहीं पर दूसरी साइड में लगानी है पर। और दूसरा वाला जो लास्टिक था फ्रेंड्स, उसे हमें पीछे की साइड में डालनी है। बस इतना ही करना है फ्रेंड्स। ये देखिए, दोनों लास्टिक एक दूसरे से अलग होनी चाहिए और दोनों एक दूसरे के ऊपर और नीचे होना चाहिए। और आप इसके ऊपर सिलाई लगा लो। बस इतना ही ध्यान रखना होता है। और सिलाई करते वक्त लास्टिक को आप साइड करें और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएं। बस फ्रेंड्स, इतने ही स्टेप्स होते हैं जो आप फॉलो करो। इस तरीके से आप आराम से अपने पूरे मास्क पर सिलाई लगा लो। बस इतना ही होता है लास्टिक लगाना। तो चलिए फ्रेंड्स, आप आराम से देख लो कि आपको किस तरीके से लास्टिक को अपने फैब्रिक पर लगानी है। आई होप आपको आराम से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। आप इस मास्क का ओवरऑल लुक देख सकते हो। ये देखिए, हमने इसके साइड में डबल सिलाई कर ली है। अब ये पूरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों लास्टिक अलग अलग होने चाहिए। आप इस मास्क का ओवरऑल लुक देख सकते हो। ये एक एक्स्ट्रा
लार्ज साइज का मास्क है और ये 3 लेयर है। और फ्रेंड्स ये 2-in-1 स्टाइल का, दोनों साइड हमने ब्लैक फैब्रिक यूज़ किया है, तो आप इसे फ्रंट और बैक दोनों साइड से वेयर कर सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक इलास्टिक छोटी और बड़ी इसलिए होती है, जो बड़ी वाली इलास्टिक है वो हमारे हेड के पास आएगी और छोटी वाली वो हमारे बैक साइड के नेक के पास रहेंगी। तो फ्रेंड्स इसीलिए 1 इलास्टिक छोटी और एक बड़ी होती है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।